Hello my dear viewers, my name is Anwar Hussain Barbija and I welcome you to your channel AHB Physics. So you will be happy to know that मेरा जो चैनल है इस चैनल में टोटल 1K सब्सक्राइबर जो है इसको क्रॉस कर दिए है। तो YouTube का मोनेटाइजेशन के लिए दो स्टेप्स की जरूरत है, एक है 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम एंड सेकेंड इज 1K सब्सक्राइबर्स। तो ये दोनों स्टेप्स फुलफिल्ड है और इसको मैंने मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिया था एंड विद इन 24 आवर्स, कल शाम को मैंने दिया था और आज सुबह जो ये मोनेटाइज हो गया, दैट मीन्स हमारा चैनल अभी जो है मोनेटाइज है। तो आप लोग अभी मोनेटाइज चैनल पे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। सो आप मेरे लिए दुआ करना ताकि मैं अपना चैनल को और ग्रो कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हों, प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई होप आई विल नेवर डिस्करेज यू। मैं आपको कभी भी डिस्करेज नहीं करूँगा, मैं जितना भी हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको फिजिक्स अच्छी तरीके से पढ़ाओ, ठीक है। और ये एक टीचर का कमिटमेंट है, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। कभी कभी टाइम नहीं होता है, अच्छा से प्रिपरेशन करने के लिए समय भी नहीं मिलता है, तो ये टाइम मुझे मिलेगा। एक बार कॉलेज का नॉर्मल सी आ जाएगा देन आई विल गेट सफिशियंट टाइम टू प्रिपेयर माई वीडियोज एंड आई विल अपलोड द प्रिपेयर्ड वीडियोज। अभी जो है ये रेगुलर क्लासेस को लेने के लिए जस्ट कॉपी करना है, आपको देना है, इसीलिए मैं वीडियोज दे रहा हूँ एंड आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। और आप लोग दिल से मेरे लिए दुआ कीजिए और मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ ताकि आपका फ्यूचर अच्छा रहे, और आप लोग मेरे लिए दुआ करना ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन दैट इज योर काइनेमेटिक्स है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपका चैप्टर 3 है क्लास 11 फिजिक्स का। इसका ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन। व्हाट वाज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हेन वी डिफाइन एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मीन्स किसी भी एक पार्टिकल अगर मोशन पे होता है उसका टाइम के साथ कितना वेलोसिटी चेंज होता है उस चीज को कहा जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और लास्ट एक पॉइंट में मैंने आपको बोला था द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। तो इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन। मीन्स एक्सेलरेशन को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो केस है व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो means जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होता है तब क्या होगा? हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, व्हाट वाज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन वी सिंपली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है इसको हम लोग एक्सेलरेशन भी कहते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज गिवन एज डीवी बाय डीटी। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन वी का मतलब क्या है? वेलोसिटी, टी इज टाइम। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब velocity time के साथ कितना चेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं acceleration। So when acceleration of the particle is zero, इसका मतलब ये acceleration कितना होगा? Zero होगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग बोलते हैं ये zero is equal to dv by dt। So or simply you can say that it is dv by dt equal to what? Zero. That is dv by dt is equal to zero. dv by dt is equal to zero का मतलब क्या है? Time rate of change of velocity is equal to zero. और हम लोगों ने पढ़ा था differentiation में, what is differentiation of a constant? मान लीजिए dv dt of 5 अगर करते हो तो आपको कितना मिलता है? Zero. Means differentiation of any constant term, किसी भी constant term का अगर हम differentiation करते हैं तो हमें क्या मिलता है? Zero मिलता है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ dv dt of v is equal to zero, इसका मतलब ये velocity क्या है? Velocity is constant. तो we can say that as dv by dt is equal to zero, dv by dt equal to कितना है? Zero है। Thus velocity of the particle, वहाँ पे क्या बोला है? Particle. So velocity of the particle is constant.
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, dv / dt 0 है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे देन व्हाट विल बी इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ वी ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही पे रिप्रेजेंट करता हूं, इफ वी ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद जीरो एक्सीलरेशन, सो इधर क्या है, वेलोसिटी है, से द वेलोसिटी इज v, और इधर क्या है आपका टाइम है, से द टाइम इज t। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे फॉर जीरो एक्सेलरेशन देन द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन एंड इट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो अगर लाइन पैरेलल है इसका मतलब व्हाट विल बी इट्स स्लोप, स्लोप कितना होगा, स्लोप इज जीरो। स्लोप का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था स्लोप का मतलब, मान लीजिए कोई एक ग्राफ ऐसा है यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो स्लोप कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इस पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट के बीच में भी स्लोप डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर से एक लाइन खींचो, इधर से आपको एक टाइम मिलेगा, इधर से आपको एक टाइम मिलेगा। मान लीजिए ये टाइम टी वन है, ये टाइम टी टू है, इधर आपका वेलोसिटी वी वन है और इधर आपका वेलोसिटी क्या है, वी टू है। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस वी वन। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, अगर मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन देन इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू टैन थीटा, व्हाट इज थीटा, ये हो गया एंगल थीटा। सो स्लोप का मतलब क्या है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इससे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते थे, एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, जीरो है, इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देखिए टाइम ऐसे जा रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो लाइन का एकदम सीधा है, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो पहला ग्राफ था व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, सेकेंड इज व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वी डिफाइन इट एज ए इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीवी, डीवी विल बी इक्वल टू ए डीटी। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, ये मान लीजिए टाइम टी इक्वल टू जीरो है, इनिशियल टाइम है, और यहाँ पे जो टाइम है दैट टाइम से इट इज इक्वल टू टी, मींस फाइनल टाइम जो है टी है, और शुरू करता है जीरो पे, कोई भी टाइम मान लीजिए शुरू हो रहा है जीरो से, खत्म कहाँ पे हो रहा है, टी पे। अब पार्टिकल जो है इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए पहला सेकंड में वेलोसिटी जीरो है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो है, पहला सेकंड में मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, तो सेकंड सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड है, थर्ड सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब हर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वली चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन, व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस इक्वली विद टाइम, एवरी टाइम इंटरवल, हर टाइम इंटरवल में जब वेलोसिटी इक्वली चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मान लीजिए इनिशियली जब स्टार्ट नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ से कोई कार स्टार्ट होता है, तो इनिशियली वेलोसिटी कितना होगा, जीरो, पहले जीरो से शुरू करेगा, और फाइनल जो वेलोसिटी है बी, मान लीजिए एफ है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, सेड दैट फाइनल वेलोसिटी इज बी, मींस फाइनली कार यहाँ से जब यहाँ पे आ जाता है तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, वी। अब इस कार को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, डीवी को इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियली वेलोसिटी कितना है जीरो, फाइनली वेलोसिटी कितना है वी है, विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डीटी। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टाइम है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी है, तो टाइम कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, फाइनल टाइम कितना होता है टी, सो जीरो से शुरू होकर फाइनल टाइम जो है टी है, वेलोसिटी इनिशियली जीरो से शुरू करके फाइनल वेलोसिटी कितना है, वी एफ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स हमें क्या देता है, एक्स, अगर इंटीग्रेशन ऑफ मैं डीके करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, के, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी। तो इसका मतलब व्हाट विल बी वी
वी विल बी इक्वल टू ए, ए क्या है कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टाइम कितना है जीरो से लेकर टी तक, तो इसका मतलब वी इंटीग्रेशन ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, लिमिट जीरो से लेकर टी तक है तो टी माइनस जीरो है, सो अल्टीमेटली विल गेट वी इक्वल टू ए टी, हमें क्या मिलेगा वी इज इक्वल टू ए टी। तो वेलोसिटी वी इक्वल टू ए टी है, इसका मतलब क्या है एक्सेलरेशन हमारा कॉन्स्टेंट है, और एक्सेलरेशन अगर कॉन्स्टेंट है इसका मतलब क्या है, एज एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन जो हमारा कॉन्स्टेंट है तो वी जो है प्रोपोर्शनल टू क्या होगा टी, सो एक्सेलरेशन क्या है कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब वी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट मींस वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब कोई भी चीज अगर प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कैसे होता है, अगर हम लोग बोलते हैं इधर मान लीजिए हमारा वेलोसिटी एक्सिस है और इधर हमारा टाइम एक्सिस है, सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम देन व्हाट विल बी द ग्राफ, ग्राफ जो ऐसा होगा, सो व्हाट विल बी इट्स स्लोप, स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, मान लीजिए ये एंगल जो है थीटा है, देन स्लोप विल बी इक्वल टू, स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज इक्विवेलेंट टू एक्सीलरेशन, and this acceleration will be equal to tan theta, so the acceleration of the particle is what, it is tan theta, to yahan pe slope jo hai acceleration hai and it is actually kya hai constant hai, itna sara cheez ek sath likho, slope is constant hai to hame pata hai, isko mita dete hain, the slope of this graph is constant and it is equal to what, it is equal to tan theta, ab ye slope jo hai constant hai kaise aapko pata chala, maan lijiye main graph aise draw karta hu to idhar se agar main time leta hu to idhar mujhe kitna milega del t milega, idhar maan lijiye mera kuch velocity hai to ye velocity kitna hai del v hai, to jitna del v hai utna kya hai del t hai, to iska matlab del v by del t, ye angle maan lijiye theta hai, so what is acceleration, it is del v divided by del t, ab maan lijiye agar main second ek time leta hu to aur ek time interval mujhe milega ye second time interval, aur yahan pe main agar velocity leta hu to mujhe ye second velocity ka interval milega, second velocity ka interval kya hai del v hai, to ye del v ye del t, to har del t ke sath idhar dekhiye har del t ke sath jo velocity change ho raha hai wo constant hai, har del t ke sath jo velocity change ho raha hai wo constant hai, isliye isko kya bolte hai velocity of the particle is सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो एक दो हो गया, और एक ग्राफ है, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट, द थर्ड इज व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल, जब पार्टिकल का वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल, तो एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होगा तब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, इधर मान लीजिए टाइम है, इधर आपका वी है, सो दिस इज योर वेलोसिटी एक्सिस है, दिस इज योर टाइम एक्सिस, ऑलरेडी हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर वेलोसिटी है और इधर क्या है टाइम है, नाउ मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन मींस यहां पे जो एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, अगर अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल मींस हर टाइम में जो इसका एक्सेलरेशन है वो अलग है, तब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग ग्राफ, तो यहां से हम लोग ग्राफ से क्या कर सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं बोलता हूं स्टार्टिंग टाइम जो है, स्टार्टिंग टाइम जो है वो है t1 और फाइनल टाइम जो है वो है t2, स्टार्टिंग टाइम कितना है t1 है, फाइनल टाइम क्या है t2 है, तो यहां पे अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी एक्सिस है तो स्टार्टिंग टाइम में जो वेलोसिटी है मान लीजिए वो वेलोसिटी v1 है, फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए वेलोसिटी v2 है, so what will be the average acceleration, average acceleration ko hum log kaise define karenge, average acceleration can be defined as a bar, average acceleration, so it is change in velocity, average acceleration kaise define karte hai, change in velocity divided by change in time,
That means average acceleration will be equal to change in velocity का मतलब क्या है? v2 minus v1 है और change in time का मतलब क्या है? It is t2 minus t1. So change in velocity upon change in time, that is v2 minus v1 divided by t2 minus t1, and that will be equal to what? मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा, so that will be equal to tan theta. That means average acceleration is equal to slope of this line. So यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ एक पॉइंट है, that point is P1, और यहाँ पे एक पॉइंट है, say that point is P2. So P1, P2 का जो लाइन है, ये टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उसका जो tan tangent of that angle will give you the slope. So ultimately average acceleration हम लोग ऐसे define कर सकते हैं. Now if we define the instantaneous acceleration, तो instantaneous acceleration कैसे define करेंगे? ये ग्राफ में नहीं हो रहा है, ठीक है? चलो पहले आप इसको पोज मारो, यहां तक लिखो. हो गया? ये बिल्कुल सेम आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन जैसा है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है. तो एवरेज एक्सेलरेशन मिल गया. अगर हम लोग अभी एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो इफ यू डिफाइन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? A भी बोलते हैं. And instantaneous acceleration is given as dv by dt, that is rate of change of velocity. So if you draw the graph for a particle moving with variable velocity or variable acceleration, तो इधर आपका velocity graph है, इधर आपका time graph है, sorry इधर velocity axis है, इधर time axis है. So the particle is moving with variable acceleration. If we define the acceleration at a particular instant of time, means किसी भी एक time पे, मान लीजिए इस time पे मुझे क्या करना है? Acceleration define करना है. मान लीजिए वो time क्या है? t1 है. तो ये क्या है? 0 है. ये time कितना है? t1 है. इस time पे acceleration कितना होगा? That acceleration अगर हमें निकालना है, तो इस point पे हमें क्या करना है? We have to draw a tangent to that line. हमें क्या करना है? उस point पे एक tangent draw करना है. So you can draw a tangent to this point. If you draw a tangent to this point, then we'll get. So tangent का मतलब क्या है? ये हो गया tangent. इस point को छूता हुआ जाना चाहिए tangent. तो ऐसा है. तो ये जो angle बनाएगा, मान लीजिए angle is theta. तो जिस point पे हम लोग instantaneous acceleration निकाल रहे हैं, जिस time पे हम instantaneous acceleration निकाल रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, दैट विल गिव यू द स्लोप. सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, सो वी आर डिफाइनिंग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is the slope. Instantaneous acceleration at any instant of time is the slope of velocity time graph. VT graph का मतलब क्या है? Slope of velocity time graph at that instant. जिस instant of time पे हम लोग instantaneous acceleration निकालेंगे, उस instant of time पे हमें क्या करना है? Tangent draw करना है, और उस टेंजेंट का जो स्लोप है वही हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देगा. सो द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज ए, इट इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? व्हिच इज इक्वल टू टैन थीटा. तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन वेलोसिटी, ऐसा बोल के आपको ऑप्शन भी दे सकता है. सो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, तो ये आपको हमेशा याद रखना है. And the slope of position time graph or displacement time graph gives velocity. ठीक है? तो आप लोग पोज मारिए, इन ग्राफ्स को लिख लीजिए.
So now we'll study the velocity time graph for motion with constant acceleration. So we are studying now, in before that we have studied motion with zero acceleration, then you have studied motion of particle with constant acceleration, then you have studied the graph for motion of particle with variable acceleration. So तीनों graph हम लोगों ने study किया और अभी हम लोग पढ़ेंगे velocity time graph for motion with constant acceleration. जब acceleration constant होगा तब हम लोग motion को study करेंगे. सबसे पहला जो है इट इज मोशन ऑफ पार्टिकल इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन. मोशन ऑफ पार्टिकल इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन. इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग स्टडी करते हैं किसी एक मोशन को, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल कहाँ पे, यहाँ पे है. तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं ये रेफरेंस, व्हाट इज दिस, दिस इज रेफरेंस. तो इधर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है पॉजिटिव है, इधर जाने से डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाने से डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा. मोशन ऑफ पार्टिकल इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका मतलब पार्टिकल का मोशन किधर होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए. With positive acceleration. Positive acceleration का मतलब क्या है? Positive acceleration का मतलब क्या है? Means particle का जो velocity time के साथ change होगा वो क्या होना चाहिए? Increase होना चाहिए. So motion of particle in positive direction with positive acceleration. इसका अगर हम लोग graphical representation करेंगे, that is if we draw the velocity time graph. So what will be its velocity time graph? इधर मान लीजिए आपका टाइम एक्सिस है, इधर आपका वेलोसिटी है. विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर हम लोग बोलेंगे, देन मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन. इसका मतलब इनिशियली मान लीजिए पार्टिकल का कुछ एक वेलोसिटी है, सेट वेलोसिटी इज वी नॉट. फाइनली मान लीजिए इनिशियल टाइम कितना है, जीरो है, फाइनल टाइम कितना है, टी है. इधर आपका टाइम एक्सिस है, फाइनल टाइम टी है, इनिशियल टाइम कितना है, जीरो है. पार्टिकल इनिशियली जो है कुछ एक वेलोसिटी से जा रहा है, मींस मान लीजिए यहाँ पे आपका कार है, ये स्टार्ट जब नहीं होता है तब इसका वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी होता है जीरो मीटर पर सेकेंड. अब ये स्टार्ट हो गया, अब मान लीजिए यहाँ से मैं स्टडी करना शुरू कर रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा टाइम इक्वल टू जीरो. यहाँ पे कुछ एक वेलोसिटी होगा, सेट वेलोसिटी इज वी नॉट. मान लीजिए वी नॉट जो है 5 मीटर पर सेकेंड है. अब ये मूव करता है फॉर ए टाइम टी, तो यहाँ पे टाइम टी बिल्ड कितना है, टी है. तो इस टाइम पे जो इसका वेलोसिटी है मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड है, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, किलोमीटर पर सेकंड है. तो वहां पे मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी इज वी. इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वी नॉट है, और फाइनल टाइम कितना है, टी. तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन करता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ए बार इट इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनली यहां से शुरू किया यहां तक, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, वी है. इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वी नॉट है. और टाइम फाइनल कितना है, टी है. इनिशियल टाइम कितना है, जीरो है. इसका मतलब ए बार इज इक्वल टू कितना है, वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय टी. तो इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं v, यानी कि v इक्वल टू v नॉट प्लस a t. सो ये आपका एक स्टैंडर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम. सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द फाइनल वेलोसिटी. तो ये आपका काइनेमेटिक इक्वेशंस का पहला इक्वेशन है. सो इसके बाद में मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडीज करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस. तो काइनेमेटिक इक्वेशंस का ये पहला इक्वेशन है. तो पहला हमारा क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन. सेकेंड ग्राफ है, इट इज मोशन ऑफ पार्टिकल इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज होगा.
और एक्सेलरेशन जब डिक्रीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन और डीसेलरेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी कहा जाता है और इसको डीसेलरेशन भी कहा जाता है। रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन, डीसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है विद सम वेलोसिटी, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, फिर 50, 49, 49, 48, 47, 46 ऐसा करके क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसका वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन या फिर उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। और फिर ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, इधर आपका वेलोसिटी है, इधर आपका टाइम है, तो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ देन व्हाट विल बी द शेप ऑफ ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए v नॉट है, तभी वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, और मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए v है एट एनी टाइम, से दैट टाइम इज t1, टाइम t भी बोल सकते। तो इसका मतलब यहां पे क्या दिखा रहा है, अभी भी मोशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या, अगर इधर रेफरेंस है इधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब रेफरेंस के राइट साइड में, सो द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, सो मोशन ऑफ पार्टिकल इन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अगर इधर जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, मान लीजिए v नॉट है, और टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो इसीलिए इसको कहा जाता है विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, सो थर्ड ग्राफ जो हम लोग पढ़ेंगे, इट इज मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इन नेगेटिव डायरेक्शन, मोशन ऑफ पार्टिकल इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मोशन ऑफ पार्टिकल इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, ये अगर हमारा रेफरेंस है, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर रेफरेंस, इसके राइट साइड में जाने से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट साइड में जाने से डिस्प्लेसमेंट x क्या होगा, नेगेटिव। सो मोशन ऑफ पार्टिकल इन नेगेटिव डायरेक्शन मींस पार्टिकल यहां से शुरू करेगा, जाएगा किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, पार्टिकल किधर जाएगा, इधर, विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा टाइम के साथ, पहले मान लीजिए 50 है, फिर 49 है, 47 है, 46 है, ऐसा करके डिक्रीज होगा। तो मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो इफ यू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ देन इट विल बी, यहां पे क्या होना चाहिए, मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, टाइम बढ़ेगा, तो इनिशियली मान लीजिए वेलोसिटी जो है v नॉट है, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, विद टाइम, इधर आपका क्या है, टाइम एक्सिस है और इधर आपका वेलोसिटी एक्सिस है, इधर आपका वेलोसिटी क्या होता है, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी इधर क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी। सो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ टाइम के साथ क्या हो रहा है, विद टाइम द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, विद टाइम द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और अगर मैं बोलता हूं फाइनल वेलोसिटी, से दैट फाइनल वेलोसिटी इज v, यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट भी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि j जीरो है, ऊपर जाने से पॉजिटिव है, इधर है तो इसका मतलब नेगेटिव है, और इसके जो करेस्पोंडिंग टाइम है, से दैट टाइम इज एनी टाइम, से t1, ठीक है, t1 दो या t2, t2 दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आप टाइम एक्सिस लिख लो खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल दैट चेंजेस डायरेक्शन, दैट चेंजेस डायरेक्शन एट टाइम टी वन, मीन्स कोई एक मोशन है और उसका डायरेक्शन क्या होगा, टाइम टी वन में चेंज होगा, कैसे होगा, मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस है, ये क्या है, रेफरेंस है, मोशन ऑफ पार्टिकल दैट चेंजेस डायरेक्शन एट टाइम टी वन, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डीएक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, वो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं है, अब नेगेटिव डायरेक्शन में जाके यहाँ पे जब आएगा
फिर ये क्या करेगा, अपना ओके पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, पहले पार्टिकल जो है किधर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स इधर जा रहा है। तो इधर मान लीजिए इसका इनिशियल टाइम इक्वल टू जीरो है और यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकंड है। तो ये 50-40 ऐसा करते करते यहाँ पे जाएगा, तो ये मान लीजिए यहाँ पे आते थे इसका 5 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ। इधर देखिए, इधर हमारा क्या है, वेलोसिटी एक्सिस है और इधर हमारा क्या है, टाइम एक्सिस है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे जब आएगा, मान लीजिए ये टाइम t1 है, तो यहाँ पे आया, फिर वो क्या करेगा, और डीएक्सीलरेट होगा, मीन्स और इसका डिक्रीज होगा स्पीड, लेकिन अभी वो अपना डायरेक्शन बदल देगा। तो यहाँ गया, फिर वो क्या करेगा, फिर उल्टा आएगा। लेकिन यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, तो मान लीजिए यहाँ आते आते इसका 1 मीटर पर सेकंड होगा। पहले इधर गया, डिक्रीज करता हुआ वेलोसिटी, फिर उल्टा आया और डिक्रीज करता हुआ, लेकिन अभी डायरेक्शन बदल दिया। तो यहाँ पे आके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और यहाँ पे मान लीजिए टाइम है, यहाँ पे जो टाइम है, से दैट टाइम इज एनी टाइम टी, तो इसके करेस्पॉन्डिंग में जो वेलोसिटी होगा, दैट वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी। ये हमारा रेफरेंस है, मींस ये जीरो है, दिस इज अवर रेफरेंस, सो दिस इज जीरो। इधर जाने से नेगेटिव वेलोसिटी, उधर जाने से पॉजिटिव वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, पॉजिटिव है वेलोसिटी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज अवर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज अवर फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है टाइम t1 पे अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, मींस पार्टिकल जो है अपना पोजीशन, मींस डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसको चेंज कर लेता है। पहला पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, लेकिन वेलोसिटी को डिक्रीज करता हुआ जाता है, और फिर जो है अपना डायरेक्शन को पलट लेता है। तो इसीलिए ऐसा होगा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इनका बहुत सारा एप्लीकेशन है, दैट विल स्टडी इन कमिंग क्लासेस, ठीक है। तो ये हो गया चार वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिससे आपको मोशन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी इसको पॉज मारिए, लिखिए। ग्राफ्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया, अब एक हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, दैट वी विल स्टडी हियर, व्हाट इज द नोट, द एरिया अंडर, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। What we'll study? The area under velocity time graph represent displacement. Means velocity time graph के अंडर पे जो एरिया आता है, वो एरिया हमें क्या देता है? वो एरिया हमें displacement देता है। तो कैसे होगा? Consider the motion of a particle with uniform velocity. Consider the motion of a particle. Consider the motion of a particle with Consider the motion of a particle with uniform velocity. Uniform velocity का मतलब क्या है? Constant velocity. Say that uniform velocity is u. Its velocity time graph is. तो इसका velocity time graph कैसे होगा? If you draw the velocity time graph, तो इधर आपका क्या है? Velocity है, and that velocity we denote it as v, और इधर आपका क्या है? Time axis है, so this is your time. A particle is moving with uniform velocity. इसका मतलब इसका velocity change नहीं होगा, uniform velocity means velocity change नहीं होगा। मान लीजिए इसका initial velocity u था, तो ये जितना समय मूव करेगा उसका velocity कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। ये बिल्कुल कैसा होगा? Parallel होगा, ठीक है। Now we consider that this time is zero at a particular instant of time, means इसका जो final time है, that final time is capital T. तो zero time से शुरू करता है और final time कितना है? Capital T.
So what will be the area of this area? Means what is the area? Area between velocity and time. Velocity or time के बीच में जो area है, what will be its area? So the area is A. तो हम लोग यहां से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इट इज ए रेक्टेंगल और इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल से इट इज ए. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ब्रेथ एंड मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है. सो व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज चेंज इन टाइम. सो इसका मतलब टी. और ब्रेथ कितना है, चेंज इन वेलोसिटी, यू माइनस जीरो. सो इट इज यू टी. So area is ut. Now आप मान लीजिए, आप लोग जानते हो what is velocity. Velocity is defined as displacement divided by time. Velocity is defined as displacement divided by time. तो अगर हम लोग बोलते हैं velocity is v, displacement is x, time is t. So what is displacement? It is velocity multiplied by time will give us displacement. Velocity multiplied by time gives us displacement. तो यहाँ पे t क्या है? T is time है, u क्या है, velocity है. इसका मतलब ये actually क्या है, this is displacement. This is displacement. So we can say that the area under velocity time, ये हो गया time, ये हो गया velocity. So velocity, velocity versus time graph के under पे जो area है, वो area हमें क्या देता है, displacement. और अगर हम लोग displacement को x से represent करते हैं, then it will be area will be equivalent to x. ठीक है, सो हमेशा याद रखना, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट एंड द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन. द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो आज का क्लास यहां तक ही है. इसके आगे का जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मीन्स स्ट्रेट लाइन पे जब मोशन होता है, इनका जो इक्वेशंस होता है उनको हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, उसके लिए मैं आपको वीडियोस अभी आज शाम को मैं वीडियोस बनाऊंगा. तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी इन माय जर्नी. और अभी मेरा जर्नी जो है शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी. आप लोग मेरे साथ रहिए. ठीक है, और अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़िए. और मैं अपनी तरफ से दिल से कोशिश करूंगा कि आपका फिजिक्स में कोई तकलीफ ना हो. ठीक है, आपका क्लास 11 का बोर्ड लेवल का फिजिक्स पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा. आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगा. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.